देख रहे हैं हमारे साथ 24 आवर्स ग्रेट न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हाथरस कांड पर क्या कहती है रामपुर की जनता। आज उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर की जनता ने हाथरस कांड पर विरोध जताया व दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। रामपुर के लोगों ने घटना पर हो रही राजनीति पर गुस्सा जाहिर किया व सरकार से सिस्टम में बदलाव कर ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। ये थी रामपुर से ओम ठाकुर की खास रिपोर्ट। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ नवाबों के शहर रामपुर में और हम यहाँ की जनता से ये जानने के लिए आए हैं कि हाथरस में एक लड़की का गैंगरेप के साथ हत्या की कर दी जाती है, तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा राजनीति हो रही है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बवाल मचा हुआ है। हम यहाँ की रामपुर की जनता की राय जानने के लिए आए हैं, क्या विचार है, क्या सोचती है यहाँ की जनता उस मुद्दे को लेकर और क्या है उसके विचार, आइए जानते हैं। मेरे साथ एक सख्त मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? ईशान पाशा। ईशान जी, ये बताइए अभी ये जो एक महिला का वहाँ पर गैंगरेप कर गई लड़की का और जो कि दलित समुदाय से थी उसकी हत्या कर दी गई, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बवाल मचा हुआ है लोग राजनीति में? बस यही कहना चाहूँगा कि इस देश में मतलब ये दलित वगैरह ये जो लोग हैं सबको सेम समझना चाहिए, सबको एक समान रखना चाहिए देश में, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सब हो। लेकिन और जो ये मनीषा नाम की जो लड़की का रेप हुआ है हाथरस में, और इसको इंसान मिलना चाहिए। जैसे ही मतलब ये लोग दरिंदों ने उसको रेप किया है उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बस इसी बारे में यही कहना चाहूँगा। कुछ लोग जाके वहाँ पर बवाल मचाने के प्रयास किए जा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक रोटी इसी की जा रही है, जैसे भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण गए थे उनको रोका गया, राहुल गांधी हैं और भी सपा बसपा का। नहीं, मेरा कहने का मतलब बस यही है कि लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर राजनीति की रोटियाँ चलेंगी, चीज़ तो गलत है। पर आप रामपुर से बिलोंग करते हैं ना? जी सर, जैसा कि अभी माननीय पूर्व मंत्री आजम खान जी हैं उन्होंने जयप्रदा पर एक टिप्पणी दी थी, तो सपा बसपा गठबंधन से कोई नहीं बोला, ना ही जया बच्चन बोली, और भी तो कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि औरत का भी एक राजनीतिकरण हो रहा है, जयप्रदा की बेइज्जती पर कोई नहीं बोला लेकिन वहाँ दलित लड़की पर बोला जा रहा है, तो सभी लोग उमतिया लेकर सरकार के खिलाफ आ गए और उसको हाईलाइट कर रहे हैं। ये राजनीति के लिए सब राजनीति लाती है, मतलब औरत औरत होती है, बहन बेटी हर किसी की, लड़की की तो इज्जत करनी चाहिए, ये तो सब गलत है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए और उसकी फैमिली वालों को सपोर्ट करना चाहिए और वहाँ पर बोलना चाहिए था। गवर्नमेंट से हम यही बोलना चाहेंगे, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे और उनको इंसाफ दिलवाए और जो दरिंदों ने मतलब उसका रेप किया है उसको फांसी की सजा दी। सर आपका नाम? मेरा नाम सुनील गौतम। आप क्या कहना चाहेंगे सर ये जो सर हाथरस मुद्दे में? मैं यही कहना चाहूँगा जिन लड़कों ने या जिन उनके साथ में दरिंदगी की है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, चाहे वो किसी जाति धर्म से हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो, उससे कोई मतलब नहीं है, जो जिसने गलती की है उसको तो सजा। लोग सरकार पे सवाल या निशान उठा रहे हैं कि सरकार ने ये नहीं किया वो नहीं किया, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, जबकि सरकार कह रही है हमने की वही नौकरी का वादा कर दिया, 25 लाख रुपए दे दिए वहाँ। देखिए सर, किसी के नौकरी का वादा करने या 25 लाख रुपए देने से जिंदगी की बर्बाद खत्म नहीं हो सकती, मतलब देनी चाहिए, जिंदगी बर्बाद होनी थी उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना, उसकी नहीं, पैसा क्या मायने रखी, आरोपियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए आपका कहना ये, ताकि आगे भविष्य में कोई इस तरह की दरिंदगी ना करे, रूप आप जाए लोगों, आगे से लोगों के दिल में ये ख्वाब बैठ जाए कि ऐसे कुछ करने से पहले अपने इंजाम को सोच लेना चाहिए। नमस्कार, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के रामपुर में, नवाबों के शहर में हम ये जानने के लिए आए हैं कि आखिर क्या सोचती है यहाँ की जनता और यहाँ की जनता की क्या राय है, तो आइए रामपुर की जनता से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि गैंगरेप को लेकर और महिला सुरक्षा को लेकर कितनी जागरूक है रामपुर की जनता और क्या सोचती है इस पूरे मुद्दे के बारे में जो कि वहाँ पूरा बवाल मचा हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। आपका नाम? मरियम जी, बताइए कि अभी जो हाथरस में गैंगरेप हुआ है मनीषा की जो SC से बिलोंग करती थी उस लड़की के साथ जो रेप हुआ है और पर 4 आरोपियों को पकड़ा भी गया है, इतना लेट कर दिया मामले को, काफ़ी ज़्यादा राजनीतिकरण हो रहा है, बवाल मचा हुआ, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, फर्स्टली मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारी गवर्नमेंट एग्जैक्टली बहुत कुछ करती है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं करती है, हमारी गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, बट स्टिल उन्हें अभी और प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है, बिकॉज वी आर अनसेफ, अभी हम लोग अनसेफ हैं, अभी हम रोड पे चलते हैं फिर भी हमें अनसेफ फील होता है, तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन लें कि जो भी जितनी भी लड़कियाँ हैं वो हर जगह सेफ फील करें, जैसे अभी मनीषा के साथ हुआ, ऑब्वियसली बहुत बुरी खबर है कि ऐसा उसके साथ हुआ, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, बट फिर भी हमारी गवर्नमेंट को बहुत कुछ करना चाहिए, अभी बहुत हम लोग अभी बहुत दूर हैं, अभी हम लोग डेवलप ही नहीं है,
महिला प्रोटेक्शन के ऊपर काम करना चाहिए, जो मतलब फीमेल प्रोटेक्शन है उसके लिए सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, बहुत ज्यादा अभी काम करने की जरूरत है। जी जी, क्योंकि हम अभी रोड पे चलते हैं उसमें भी हमें सेफ्टी फील नहीं होता। जैसा कि अभी आप पार्क में घूमने के लिए आई हैं, आप वैसे आप फैमिली के साथ आई हैं, लेकिन आपको अगर आप अकेली भी आए तो आपको ये लगे कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा एक्शन ले कि पूरी इंडिया की हर लड़की आराम से अपने घर से निकल सके, एक खुद में कॉन्फिडेंस रहे। जैसे कि वो मारी गई, वो भी किसी की बहन या बेटी जी, थी। जी जी जी, तो आप मतलब सरकार से अभी और काम करने के लिए जरूर मतलब कहना चाहेंगी कुछ ऐसा गाइडलाइन जारी करे? मैं बहुत शुक्र अदा हूँ गवर्नमेंट की, ऐसा नहीं है कि उसने गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा। एक मिनट के अंदर अंदर मतलब सुरक्षा मिले। जी हाँ, बस मैं चाहती हूँ कुछ और भी प्रोटेक्शन लेने चाहिए गवर्नमेंट को, जो जैसे मनीषा के साथ हो वो किसी के साथ ना हो, और हम सब लोग कह सके दैट वी आर इंडियन, वी आर प्राउड टू बी इंडियन। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे? स्टॉप करेगा अगर उनका वो बोलना चाहें तो। मैं यहाँ नवाबों के शहर रामपुर में ये जनता की राय जानने के लिए आया था कि हाथरस मुद्दे पर क्या कहती है रामपुर की जनता और कितनी जागरूक है और रामपुर की जनता के क्या विचार हैं। मैं यही सब कुछ जानने के लिए यहाँ रामपुर में मौजूद हूँ, और मैंने लोगों की यहाँ की महिलाओं से और यहाँ के लोगों से यहाँ की जनता से बात की, और उन्होंने काफ़ी कुछ अपने विचार साझा किए मेरे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट सरवन सिंह के साथ रामपुर यूपी से मैं उपाल सिंह आगे भेजना चाहिए, ज़्यादा फैशन में ना निकले इस तरह से कुछ उन्होंने कहा है। तो लड़कों की सोच गलत है ना, वो नेता कह रहे हैं, वो वहाँ के स्थानीय नेता, तो नेता अपनी आंखें बंद कर ले और क्या मतलब वो उनमें कमियां निकालना आंखें और क्या आंखें बंद कर ले। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? मैं बस यही कहना चाहूंगी लड़की को इंसाफ मिले, जो इतनी परेशानी में दुख में दर्द में सहन करा, उसने इतने दिन परेशान रही, उसके ऊपर लोग हंसी बना रहे हैं, कुछ कुछ बातें बना रहे हैं कि मीडिया ने ये करा, राहुल गांधी जो अपने आप को बहुत बड़े नेता मानते हैं, मैं यही कहना चाहूंगी कि उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो उसकी परेशानी दूर करेंगे, वो परेशानी दूर नहीं करेंगे और बढ़ा रहे हैं वहाँ पे परेशानी, मतलब और पार्टी जो अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए जा रहे हैं। हाँ, रोटी तो सब पका ही रहे हैं वहाँ पर, बहुत गलत है। राहुल जी भी अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए, उसका फायदा लेने के लिए जा रहे हैं। अपनी लड़की होती उसके बारे में अगर ऐसा होता तब देखते कि कितना फैलाते हो कितना नहीं फैलाते, ये बहुत गलत हो रहा है। और हम योगी जी से बस यही कहना चाहते हैं कि जो करें जल्दी करें। और जैसे सपा समर्थक हैं, भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण गए हैं और सपा के भी कुछ गए हैं जो कि पहले महागठबंधन पर थे, ये लोग टूट गया, लेकिन जब जयप्रदा हमारी ये जो पार्टी बीजेपी से यहाँ रामपुर से सांसद भी रह चुकी हैं, उनके उनकी अश्लील मतलब उनकी बेइज्जती की गई थी आजम खान के द्वारा, तब वहाँ तब ये लोग कोई नहीं बोले, और अब ये मोमबत्तियाँ लेकर बाहर आ गए हैं, तो ये क्या एक औरत का राजनीतिकरण हो रहा है? वहाँ उनकी बेइज्जती पर कोई नहीं बोला जयप्रदा जी, लेकिन अब बोल रहे हैं जी लड़कियों की इज्जत उछालने का इन्हें कोई हक नहीं है। पहली बात तो जिस तरीके से ये लोग हैंडल करते हैं, वहाँ जा रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है, लॉकडाउन चल रहा है, उसके बावजूद भी इतनी भीड़ इकट्ठी की जा रही है, इसमें कोई मतलब नहीं होता। मतलब उनको बहाना मिल गया, बहाना मिल गया, और भीड़ भी नहीं इकट्ठा करनी चाहिए कोरोना को लेकर। जी भीड़ भी इतनी ज्यादा इकट्ठी हो रही है, परेशानी बढ़ रही है, उससे ये नहीं करना चाहिए। राहुल गांधी ने बहुत गलत किया, वहाँ जाके कोई कुछ नहीं कर लेगा, जो तकलीफ है वो घर वाले ही झेल सकते हैं, और जो हमारी जनता है वो सब फेवर में है उस लड़की के, ऐसी कोई मतलब वो उनको अकेला छोड़ देना चाहिए, इतना मतलब जाने की जरूरत नहीं थी, कार्रवाई हो गई थी जी, और एसएसपी डीएम को भी एसएसपी को भी सस्पेंड कर दिया गया। वोट बनाने के लिए सारे कर्तव्य है राहुल गांधी के, बहुत गलत कर रहे हैं वो। मतलब सरकार ने अभी तक जो किया है एसएसपी को सस्पेंड कर दिया, वहाँ के अधिकारियों को, और भी मतलब उन पर इंक्वायरी चल रही है, 25 लाख रुपए और 1 लाख एक व्यक्ति को नौकरी मतलब दी जाएगी, तो अभी संतुष्ट हैं आप सरकार से? जी हाँ मैं संतुष्ट हूँ, सजा भी दिलाई जाएगी। पकड़ गए हैं सर वो? वो पकड़ तो गए हैं, लेकिन पकड़ने से और एक फांसी लगने में बहुत अंतर होता है, उन्हें फांसी लगे मतलब जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जी जल्द से जल्द कार्रवाई हो, उन लोगों को फांसी लगे, ताकि किसी भी बहन या बेटी के साथ ना हो, वो भी किसी की बेटी या बहन थी। जी इसीलिए उन्हें जल्दी इंसाफ मिले, तभी लोग शांत होंगे। मैम आपका नाम? मोहिनी गौड़। मोहिनी गौड़। और कुछ कहना चाहेंगी सरकार जी? मैं बस यही कहना चाहूंगी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ